स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां आज 21st सेंचुरी में कॉमन हो गई हैं। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए काफ़ी नई टेक्निक डेवलप करने लगा है, जैसे एसी, हीटर, रेफ्रिजरेटर और काफ़ी सारी चीज़ें। मगर इन सब चीज़ों का नतीजा ये है कि आज लाखों लोग इन्हीं बीमारियों से लड़ रहे हैं, इनका कोई इलाज भी नहीं है। बट इन सब के बीच योगा बहुत ही जाना माना क्योर है, जिसकी वजह से आज हम न जाने कितनी बीमारियों से लड़ पा रहे हैं। आज हमारा साइंस इतना डेवलप्ड होने के बावजूद भी इन बीमारियों का कोई परमानेंट क्योर नहीं ढूंढ पाया है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि योगा हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और ये हमारी बॉडी और ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। चलिए अब योग के बारे में जानते हैं। 1st सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच योग पूरी इंडिया में किया जाता था और लोगों ने अब तक योगा के बारे में किताबें भी लिखनी शुरू कर दी थी। इन लोगों ने योगा को 196 मैनुअल्स में लिखा। इन मैनुअल्स को आज योगा सूत्रास नाम से जाना जाता है और इन सब चीज़ों का क्रेडिट महर्षि पतंजलि को जाता है। इन किताबों में योगा को आत्मा से परमात्मा के मिलने का सफ़र बताया गया है और समय के साथ साथ योगा में फिजिकल एलिमेंट्स भी जुड़ते चले गए, जैसे रेसलिंग, जिमनास्टिक और भी काफ़ी सारी चीज़ें। समय के साथ साथ योगा और भी डेवलप होता चला गया और आज ये बहुत सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है और इन सब चीज़ों की वजह से योगा के अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे रिक्रिएशनल योगा, हेल्थ योगा, विनायास योगा और एक्रो योगा। पर आज भी योगा में पतंजलि के 3 बेसिक एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जो कुछ इस तरह हैं: ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल पॉस्चर और स्पिरिचुअल कंपोनेंट। इन 3 एलिमेंट्स के मिश्रण से हमारे शरीर को काफ़ी एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ही शांत हो जाता है और हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं योगा के बेनिफिट्स के बारे में। मगर इससे पहले मैं आपको सबसे बड़ी मिथ का आंसर दे देता हूँ। काफ़ी लोग को लगता है कि योगा और मेडिटेशन एक ही चीज़ है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि योगा 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसके अंदर प्राणायाम, मेडिटेशन और फिजिकल स्ट्रेचिंग आती है। प्राणायाम के अंदर काफ़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं, जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वजह से हमारे लंग्स की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन से हमारा माइंड शार्प होता है, हमारा माइंड शांत होता है। मेडिटेशन की ही वजह से हमारा फोकस भी इंक्रीज होता है और मेडिटेशन की ही वजह से हम कोई भी काम बहुत ही आसानी से और शांत रहकर कर लेते हैं। यहाँ तक कि मेडिटेशन से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार इन जैसी बीमारी फेस करने वाले लोगों को मेडिटेशन को काफ़ी टाइम देते हैं और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कभी भी इस प्रकार की बीमारियाँ फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनका माइंड शांत होता है और इन लोगों को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता। अब बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। फिजिकल एक्सरसाइज योगिक आसनास को कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे आसन आते हैं, जैसे भुजंग आसन और गौमुख आसन। इन सब आसन के बेनिफिट्स ये हैं कि ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और काफ़ी डिजीज़ को क्योर करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बैक पेन और भी काफ़ी तरह की बीमारियाँ। योगिक आसन भी कई प्रकार के होते हैं, जिनके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। जहाँ पर एक्सरसाइज हमारी बॉडी में शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्रिएट करती है, वहीं योगा हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है। योगा की वजह से आपकी स्किन, हार्ट, लंग्स भी हेल्दी रहते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन आज के एनवायरमेंट में योगा परफॉर्म करता है तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करेगा। एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि योगा सबको करना चाहिए, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।